5-1 आपका क्वेश्चन है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का मुख्य उद्देश्य किस क्षेत्र में लगे कामगारों के हितों की रक्षा करना है? ऑप्शन नंबर ए है असंगठित क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी है संगठित क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी है औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी है कृषि क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा असंगठित क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। सो थैंक यू।